हेलो फ्रेंड, गोल्डन बॉर्डर वाली जो स्लीव्स होती है इसके गोल्डन धागे बाजू में चुभती है। दोस्तों यहाँ पे हमने गुम करने के लिए बताया है आपको किस तरह से गुम करना है और बाजू को इसको कैसे आर्मोल पे चढ़ाना है। दोस्तों चाहे सूट हो या ब्लाउज हो, अगर बाजू आपका प्रॉपर सही से नहीं चढ़ेगा तो बहुत सारी फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों मैंने इस पर आपको चढ़ाने का तरीका बताया है, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों हमारे पास बॉर्डर वाली स्लीव्स है जिस पे मैंने लाइनिंग लगाकर पहले ही पलट कर इसको लाइनिंग को अटैच कर लिया है। इसको दोस्तों सीधे की तरफ से ही फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे साइड में एक पक्की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लें। दूसरे बाजू को भी हम इधर सीधे की तरफ से ही यहाँ से साइड से मिलाकर और इसे बिल्कुल साइड में एक पक्की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से दोस्तों पहले दोनों बाजू पे सिलाई लगा लें। इसके बाद साइड की जो मार्जिंग है एक्स्ट्रा, इसको हम बराबर कर लेंगे कटिंग करके। तो दोस्तों ऐसे पहले साइड में सिलाई लगाकर और साइड से बराबर कर लें कटिंग करके। इसके बाद दोस्तों दोनों बाजू को हमें पलट देना है। इसके बाद दोस्तों हम सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आप काम करेंगे तो आपका काम बहुत ही फिनिशिंग में होगा। यहाँ पे दोस्तों इसको हम पहले अच्छे से नाखून से सेट कर लेंगे ताकि एक जैसा हो जाए कपड़ा, झोल झाल नहीं आना चाहिए। अब इसके ऊपर से दोनों बाजू पे साइड में एक पैर की मार्जिंग पे इसके ऊपर एक सिलाई करके पक्का कर देंगे। इसे भी हम सेट कर लेते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से बैठाकर इसके ऊपर भी हमें एक पक्का सिलाई लगाना होता है तो इसके ऊपर भी एक पक्का सिलाई लगा दे। दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं इसी तरह का कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों बाजू को पहले गुम कर लें। देखिए ये जो धागे होते हैं ये चुभते हैं बाजू में अगर आप गुम नहीं करेंगे तो। इसमें दोस्तों ये गुम करने के बाद आपको इसके गोल्डन धागे बाजू में नहीं चुभेगी। तो पहले इस तरह से दोनों स्लीव्स को हम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों दोनों बाजू को पहले तैयार कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बाजू चढ़ा के दिखाऊंगा आर्मोल पे किस तरह से चढ़ती है। यहाँ पे दोस्तों ब्लाउज का ये स्लीव्स है तो मैं यहाँ पर बाजू चढ़ाने से पहले यहाँ पर बाजू पर सिलाई लगाऊँगा। तो यहाँ आगे से गोलाई है बाजू की 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ होता है 5.5 इंच। 5.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। और दोस्तों यहाँ आर्मोल है 17 इंच, तो मैं यहाँ पे ब्लाउज को पहले ही सिल रखा हूँ। और इस तरह से दोस्तों यहाँ से मिला के और यहाँ तक जहाँ तक सिलाई आ रहा है आर्मोल का, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। दोस्तों एक बार इसको हम मेजरमेंट करके भी देख लेंगे। दोस्तों ये 17 इंच का आधा 8.5 इंच आ रहा है तो ये बिल्कुल सही है। अगर कम ज़्यादा होगा तो हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे सिलाई लगा कर। तो यहाँ पे एक दोस्तों पक्की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों एक बाजू पर हमने सिलाई लगा लिया है, सेम इसी तरह से दूसरे बाजू को भी हम नाप कर पहले निशान लगा लेंगे उसके बाद सिलाई लगाएंगे। तो ये दोस्तों 5.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है और यहाँ से सिलाई को पक्का करते हुए इसके बाद दोस्तों आर्मोल ये वाले स्लीव को इस तरह से मिलाकर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों दोनों बाजू पर सिलाई लगा लें। इसके बाद दोस्तों हमें एक एक्स्ट्रा सिलाई लगानी होती है। अगर ये टाइट हो जाए यहाँ से तो आप लूज कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों एक पैर की मार्जिंग पे दोनों स्लीव्स पे हम एक एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा देंगे। यहाँ से देखिए यहाँ पे हमने इतना एक्स्ट्रा सिलाई लगाया है, आप भी इसी तरह से एक एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे ताकि एक सिलाई अगर टाइट हो तो आप उसे खोल के लूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दोनों बाजू आर्मोल पर चढ़ा के दिखाऊँगा। दोस्तों आर्मोल पे बाजू चढ़ाना मेन काम होता है। अगर ये आर्मोल पे बाजू अगर आपका सही से नहीं चढ़ेगा तो प्रॉपर ब्लाउज की फिटिंग नहीं आएगी। यहाँ पे दोस्तों जिधर से आर्मोल कटा हुआ है ये हमारा आगे का आर्मोल है, तो इसको हम पहले इस तरह से बाजू को पकड़ेंगे पलटकर। और यहाँ पे दोस्तों जो ये साइड का जो हमने जॉइंट किया है इसको बाजू को इस जोर से थोड़ा सा आगे रखना है एक पैर,
ये देखिए इतना आगे रखना है। इसके बाद दोस्तों बाजू को हम नीचे रखेंगे और ब्लाउज का कपड़ा हम ऊपर रखेंगे और इसको दोस्तों 1 सेंटीमीटर के मार्जिन पे बिल्कुल सही से चढ़ाना है, कहीं से झोल झाल नहीं आना चाहिए। इसको हम पहले चढ़ा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पलट के दिखाऊंगा कितनी फिनिशिंग से चढ़ेगी। दोस्तों इस चैनल पे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों बाजू को चढ़ाते वक्त खींच तीर नहीं करें आर्मोल को मिलाने के लिए, नहीं तो झोल आ जाता है बाजू में। ये देखिए दोस्तों यहाँ से हमने बिल्कुल सही से बाजू चढ़ा दिया है, कहीं से भी झोल उल नहीं आया है, सेंटर पॉइंट भी बिल्कुल मिला है। देखिए यहाँ पे कहीं से भी झोल नहीं आ रहा है और ये चीज़ आगे होनी चाहिए थोड़ी सी। जब दोस्तों इस पे प्रेस लगेगा तो बिल्कुल बाजू सही बैठेगी, पहनने के बाद भी बाजू सही बैठता है अगर आप सही से चढ़ाएंगे। अगर बाजू आपका सही से नहीं चढ़ेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है फिटिंग में। अब मैं दोस्तों आपको दूसरी बाजू चढ़ा के दिखाता हूँ। कभी भी बाजू चढ़ाए तो आर्महोल ज़रूर चेक करें एक बार नाप कर, अगर आर्महोल कम ज़्यादा होगा तो बाजू प्रॉपर सही से नहीं बैठेगी, लूज टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक पैर आगे रखना है बाजू को और इस तरह से 1 सेंटीमीटर की मार्जिन पे सिलाई लगानी है। दोस्तों बाजू का जो सेंटर पॉइंट होता है कट और शोल्डर का जो होता है सेंटर, उसे दोस्तों हमें मिला के चलना है, दोनों बाजू में एक जैसा ही होना चाहिए। अगर इधर उधर होगा तो उसमें दोस्तों शोल्डर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने दोनों बाजू को चढ़ा लिया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सेंटर पॉइंट और शोल्डर का जोर बिल्कुल मिलना चाहिए दोनों बाजू का, तभी दोस्तों एक्यूरेट शोल्डर आता है। और ये दोस्तों देखिए कहीं से भी झोल वगैरह नहीं आया है। इस पे जब प्रेस लगेगा तो बिल्कुल फिनिशिंग में आएगी और पहनने के बाद भी दोस्तों फिटिंग आएगा। इस तरह से जॉइंट को मिलाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं ये एक पैर का एक पट्टी लगाऊंगा जो कि टीच बटन की पट्टी होती है, तो मैं यहाँ से सीधा कपड़ा कटिंग कर लूँगा 1 इंच की मार्जिन पे और इसे दोस्तों फोल्ड करके सिल लूँगा। ये दोस्तों पट्टी जो अंडर में बड़ा पहनते हैं उसकी स्ट्रेप को इसके अंदर दबा कर लगाया जाता है ताकि बड़ा का स्ट्रेप पट्टी ब्लाउज के बाहर ना दिखे। तो इसको दोस्तों हम इस तरह से बना लेंगे पहले और दोनों शोल्डर के कंधे पर इसको हम अटैच कर देंगे। इस पट्टी को दोस्तों शोल्डर के जॉइंट पर रखकर सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी में दोस्तों टीच बटन लगेगा, यहाँ से फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे एक टीच बटन लग जाएगा। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से इस पट्टी को भी सिलाई कर देंगे, यहाँ पे जहाँ पे शोल्डर का जोर है वहीं पे सिलाई करके पक्का कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों टीच बटन का पट्टी लगाएँ। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको स्लीव्स को अंडरग्राउंड करना और बाजू को आर्महोल पे किस तरह से चढ़ाएंगे और टीच बटन का पट्टी लगाना बताया है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।